2024 चुनावों के लिए एक तरफ विपक्ष बीजेपी को हराने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी भी अब तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। चुनावों का बिगुल फूंकने पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी अपने चुनावी अभियान का शंखनाद बाबा विश्वनाथ की धरती से करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी पहले गोरखपुर में गीता प्रेस गोरखपुर के शताब्दी समापन समारोह में भाग लेंगे, जिसके बाद वह गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर दो वंदे भारत ट्रेनों गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर अहमदाबाद को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पूरी तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। गोरखपुर से अयोध्या और लखनऊ के लिए वंदे भारत चलेगी। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर यहाँ पूरी व्यवस्थाएं की गई। आप देख सकते हैं बीच में पूरा बैरिकेडिंग लगाया गया है, कहीं से भी कोई परिंदा यहाँ पर नहीं मार सकता है। गोरखपुर में SPG भी आ गई है, यहाँ पांडाल भी लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर यहाँ सभी लोग यहाँ उपस्थित भी रहेंगे। टेंट लग चुके हैं और ये प्लेटफॉर्म संख्या एक पर जितनी भी ट्रेनें आ रही थी उनको यहाँ से परिवर्तित कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है 3 तारीख से लेकर जितनी भी एक नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ रही थी उनका यहाँ से परिवर्तन कर दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी की जाए। आप देखिए प्लेटफॉर्म संख्या एक पर जो पटरियाँ हैं उनको कलर किया जा रहा है, जिससे सुंदर से सुंदर बनाए जा सके। प्लेटफॉर्म संख्या एक पर आप देखिए मेरे सामने ये पटरियों को कलर किया जा रहा है। जिस तरह वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से हरी झंडी देकर रवाना करेंगे, आप यहाँ वीडियो द्वारा देखिए किस तरह यहाँ कार्य तेजी से किया जा रहा है। मौसम भी थोड़ा सा बादल लगे हुए हैं, लेकिन रेलवे के द्वारा पूरी तैयारियां की जा रही है। वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। अजीत सिंह, News 24, गोरखपुर। इसके बाद काशी में पीएम मोदी 12,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही NH 56 के वाराणसी जौनपुर खंड के बीच निर्मित 4 लेन की सड़क का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोननगर रेलवे लाइन के बीच समर्पित फ्रंट कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी वाजिदपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस जनसभा को सफल बनाने के लिए पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी ने 50,000 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। गौरतलब है कि बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में पटना में 15 प्रमुख विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। इस बैठक में एक साथ चुनाव लड़ने पर सभी दलों ने सहमति जताई थी। ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी वाजिदपुर जनसभा के मंच से विपक्षी एकता को करारा जवाब देंगे। पीएम मोदी मंच से विपक्षी एकता और 2024 लोकसभा चुनावों के लिए क्या बोलेंगे, इस पर खास नजर रहेगी।